हाँ, मस्टर्ड ऑयल या जिंजली ऑयल। जिंजली ऑयल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया। तेल तो बहुत हैं, लेकिन ये तेल जरूरी है। कौन सा जिंजली क्या है? तिल का तेल। अरे तुम लोग क्या सोच रहे थे, ये जिंजली क्या है? जैसे एक दिन आया था लेमन ग्रास, नींबू घास, है ना? क्या था? जराकुस। आपसे एग्जाम में पूछा गया कि जो ट्राइग्लिसराइड, अब आप बताना, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड में कितने ग्लिसरॉल? एक, दो या तीन? कितने? एक। ट्राइग्लिसराइड में एक ही ग्लिसरॉल तो एक ही रहेगा बेटा। फैटी एसिड तीन होंगे ना। मोनोग्लिसराइड में कितने ग्लिसरॉल? एक। डाइग्लिसराइड में एक। ट्राइग्लिसराइड में एक। किसका नंबर चेंज हो रहा है? फैटी एसिड। ग्लिसरॉल एक ही रहेगा। इस चीज को चाहे डाई में चेंज कर दो, चाहे ट्राई में चेंज कर दो। तो ये भी ध्यान रखना, भावनाओं में बह मत जाना एग्जाम में, कि ट्राई ग्लिसराइड कितना आसान। ये नीट वाले सवाल ही नहीं बना पाते हैं। देखो कितना आसान, फिर ट्राई ग्लिसराइड। ट्राई मतलब तीन, ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल। तीन ग्लिसरॉल मतलब ऐसा सवाल बनाया जाता है। और फिर नंबर जोड़ के आएंगे, 720 में से 719 तो आ ही जाएगा। ऐसे नंबर जोड़ के आएंगे, और रूम पे आएंगे तो 19 नंबर आएगा। तो नंबर ऐसे ही आप एग्जाम में जोड़ते हैं कि चलो एक दो मान लेते हैं, गलत हो गए। अच्छा, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उस क्वेश्चन को करते समय हम सोचते हैं कि ऊपर वाले से कहते हैं कि यार इसको ही सही करवा देना। इसको जो आपने मारा वही मान लेना।